सिद्ध बयान यह गांव अपनी लोक विरासत को सहेजे हुए। बेटा अचलिले क्योंकि बरियातन में जान नहीं गली में गा 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 कुंजा थाल बहुत घास गया गाय खाली एकला गायो यो आयो 15 अगस्त पास अनपढ़ आदमी भैया जाग पर मतलब पूछने यो हो सवाल वाल। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद के सुदूरवर्ती गांव बोकटा के अंतर्गत छोटे तोक बसई में, जो जाना जाता है अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत और संघर्षपूर्ण जीवन शैली को। कहते हैं कि पहाड़ की महिलाओं का जीवन पहाड़ सा ही कठिन है, वैसे ही मेरे गांव की महिलाओं का जीवन चक्र भी कठिनाइयों एवं संघर्षपूर्ण कहानी को बयां करता है। चाहे वो घरेलू काम हो या खेत खलिहानों के सभी कामों में उनका संघर्ष देखते ही बनता है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ये नारी हर कठिन परिस्थितियों में भी सामंजस्य बना ही लेती है। ये देखी कुंजा माँ नाक में पहन रहे जो अच्छा बुलाई और काना मुनाड़ा पहली घर वाला ने देखने उन्होंने देखने भाई सिद्ध बरियार उदीन निकला ना नहीं अच्छा उनका दिन उदीन यदि आपको आपसी मेल जोल सौहार्द और सच्चे निस्वार्थ प्रेम शांति व सुकून को तलाशना है तो गांव जरूर आइए। इस गांव की एक खासियत यह भी है कि आधुनिकता की चकाचौंध में भी यह गांव अपनी लोक विरासत को सहेजे हुए है। कहते हैं ना कि हुनर को किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ये नारी भी लोक संगीत के प्रति अपने प्रेम को अपने रोजमर्रा के कामों के साथ ही व्यक्त करती है। नमस्कार, प्रणाम आप सब लोगों। आज मैं आ रही हूँ भंडारी गांव ग्राम सभा अंतर्गत बस है एक तोक से। यहाँ का जो जीवन है, जो रहन सहन है, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ की महिलाएं सुबह 4 बजे करीब इनका उठना हो जाता है, उस समय से शाम के 7-8 बजे तक ये लोग लगातार काम पे इतना बिजी रहते हैं, तो इनको कभी कभी अभी जैसे जब सीजन होता है फसल का, कटाई का सीजन या गोड़ाई का सीजन, बहुत से ऐसे अलग अलग प्रकार के सीजन होते हैं, तो उस टाइम उनको पानी पीने तक की भी फुर्सत नहीं रहती है। तो अभी थोड़ा सा सीजन थोड़ा ऑफ चल रहा है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। आज हमारे साथ है कलावती देवी जी हैं और पुष्पा देवी जी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा दोनों जने गाते हैं। मुखले मामले होनी ओ मेरा भाई बंदा भगत ले बेटा भगत ले बेटा अचली ले पन पिया भरी ना बेटा ये सुना मेरी नाना छपीले हमको सुनाई और जो एक विधा लुप्त तो होती जा रही है उससे हमको सराबोर कराया। असली गाने का पाला चला जो लजी भी म्याला गिन के लोना गौड़ो या ना घर जाना बने रे पांगा पांगा जो लजी भी म्याला बटी है तुम्हारे
शौक तो मैं उसे पहली बढ़े थी लेकिन गान शुरू में जान मेरे 4-5 साल क्योंकि बरियातन में जान भयू गली में गा 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 कुंजा थाड़ बहुत थाड़ बहुत थाड़ बहुत इसे का गान भयू मैं शौक बहुत वह लेकिन गान न भयू पहली बढ़े गान न भयू शर्म वह गाँव में भैया हम काम भी हो हमारा हरेक चीज बासुली जन बजाए गाय खाली एकला गायो पशी कशी क्यों कदी के समाज में घास गया गड़ान लगानिया भैया स्कूल में न्यूल होती स्कूल में कहाँ गाने स्कूल का गाना गाने स्कूल का गाना जैसे की गाने 15 अगस्त है जो जैसे क्यों कर ये सुना नहीं होती लाइन कांटा है पटेंगानी मिर्ग का पठाले भारत आजाद बिचा धर्म का बटाले यो भयो 15 अगस्त ये दिन भारत आजाद जंगल गया गाते रहनु गली गड़ान घास भैया गाते रहनु खेत में काम करन में शायद गाते रहनु तो इधर बिहार इधर मतलब गाते रहनु टाइम पास आओ कब पता चली तुम्हें मेरा आवाज तू बढ़िया से लोग में तारीफ करना लोग उन लेके होना तुम उन्दे कोने बिहार दो चार हाल हो जन कहते मतलब आवाज ठीक से गाना छपेल गा दे गाना गा दे छपेल गा दे तब ये गान शौक न हो तुम कती तुलजा गान मत कती मन चंचो गाने शौक हो ना कहाँ जा हम घर बैठे दूसरे हमारे घर काम पहले घर आ गया फिर हमारे काम भी हो जिसे गोरु बहन आप दूर इसे हम जाना आगे उसे हम देखे पढ़ी लेनी होने बात सही अनपढ़ आदमी भैया तुम तो जाग पर मतलब पूछने ये हो सवाल वाल मतलब जानने में भैया तब गोबंदी घास काट आज के वीडियो को देते हैं पर विराम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी नई लोगों के साथ नई जगह के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही प्रणाम पहलाक नमस्कार।